मोदी जी, आपने जो बात की ग्रोथ की बात की, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, आपने एनिमल्स की कैटल पॉपुलेशन की बात की, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जो विरोधी हैं, और कुछ मैंने इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक टाइम्स में भी कुछ चीज़ें देखी हैं, आपने बात की एजुकेशन की, कि एजुकेशन पे जो आपका जो एक्सपेंस है, जो बजट एलोकेशन है, वो मात्र 12.5% है, आसाम का 20.5% है, लेकिन रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। क्या लगता है, हेल्थ के बारे में बात है तो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर्स की कमी रूरल गुजरात में बहुत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि गुजरात का जो मॉडल है जो हम लोग भी देख रहे हैं, वो कहीं दो भागों में विभाजित तो नहीं है, एक एक उन्नत गुजरात और एक अविकसित गुजरात? अच्छा, दूसरी बात मैंने वही बताया, लेकिन वो आप आपके सवाल में आप फंसे हुए, इसलिए वो सुनने को आप तैयार नहीं है आपका मन। जैसे मेरे यहाँ ट्राइबल, नहीं मैं आपसे और सुनना चाह रहा हूँ, सुनना चाह रहा हूँ, मैं ट्राइबल बता। आज हमारा सौभाग्य है कि हिंदुस्तान के जो टोटल ट्राइबल है उसमें से 40% ट्राइबल, उनकी सेवा करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी के पास है, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। मेरे यहाँ ट्राइबल के पास खेती में बेचारे के पास 1-2 एकड़ भूमि थी, 12-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाता नहीं था। हमने एक बाड़ू प्रोजेक्ट लागू किया, उसको ट्रेन किया, काजू की खेती में ले गए और खेती में ले गए, मेरा बहुत दाहोद में जाइए वो खेत सब नहीं बोल रहा, फुलवाड़ी बोलता है, वो फूलों की खेती करना लगा है। आज जिसकी इनकम 12-15 हज़ार रुपये थी, वो आज 1.5-2 लाख रुपया उतनी ही ज़मीन में कमाने लगा है, उसके जीवन में बदलाव आया। फिर मैंने एक टैलेंट पूल बनाया, जितने भी ट्राइबल बच्चे हैं जिसमें होनहार बच्चे हैं, ऐसे 1,000 बच्चों को मैं छाँटता हूँ, उनको मेरे राज्य की बेस्ट स्कूल में सरकारी खर्चे से पढ़ने को मिलता हूँ, और वो ऐसे तेजस्वी बच्चे निकलेंगे, आप देखना पूरा हिंदुस्तान गर्व करेगा। तो ये काम अत्यंत पिछड़ी बस्ती में पड़ा हुआ बच्चा, उसकी चिंता भी ये सरकार करती है। और इसलिए कोई ये नारेबाजी के लिए कहते रहेंगे, मेरा स्पष्ट मत है, सरकार वो है जो गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए, गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए, यही मेरा जीवन मंत्र है। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार अमीरों के। मेरे यहाँ 108 की सर्विस है जी। अमेरिका की सर्विस से भी बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मेरी सेवा है। और कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है, बेचारे को ऑटो रिक्शा में जाना है, ऑटो रिक्शा पहले पूछता है पैसे हैं, मेरे यहाँ 108 को पता चलता है, एक नया पैसा लिए बिना, न वो किस गाँव का है, गरीब है, अमीर है, ये धर्म है, वो धर्म, कुछ नहीं, सबसे पहले उसको लो अस्पताल ले चलो। आज मेरे यहाँ हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम ये मेरा 108 कर रहा है।